अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की चल रही भूख हड़ताल में मंगलवार को अनुसूचित जनजाति के पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर सतीश प्रेमी भी हुए शामिल। दलितों की समस्याओं को लेकर विगत 3 सप्ताह से अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर अंबेडकर पार्क में बैठे हुए हैं। आज अनुसूचित जनजाति के पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर सतीश प्रेमी अपने साथियों के साथ आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही। जी साहब, क्या नाम आपका? सतीश प्रेमी हूँ। कहाँ से आए? चंदौसी से आया हूँ। किस तरह से जनजाति आयोग में पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। क्या समर्थन दे रहे हैं? लगातार 8 अगस्त से लगातार अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के अध्यक्ष नेतृत्व में धरना चल रहा है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन देश और प्रदेश में गूंगी बहरी सरकार है, लगातार संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, संविधान को जलाया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म करने के रोज पहल हो रही है। नहीं नहीं, इनकी जो मांगे हैं उन पर लगातार उन मांगों को मानना चाहिए। तमाम अंबेडकर अनुयायियों ने, देश के वंचित तमाम लोगों ने, दलितों ने तमाम जो सपना बाबा साहब के नेतृत्व में देखा था कि बाबा साहब को संविधान सबके अधिकारों का संरक्षण करेगा, लेकिन आज बाबा साहब के न तो संविधान को माना जा रहा, न बाबा साहब के जो जिन लोगों ने बाबा साहब ने संघर्ष किया, जिनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में अधिकार प्रदान किए, न उनके अधिकारों को दिया जा रहा। इसी के समर्थन में मैं आज यहाँ पर आया था अखिल भारतीय अंबेडकर संघ को समर्थन देने के लिए चंदौसी से, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। मेरा दायित्व बनता था कि जहाँ अधिकारों का हनन हो दलितों के, बाबा साहब के संविधान का हनन हो, वहाँ मुझे आना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। प्रदेश सरकार और देश की सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनकी मांगों को मान करके ये धरना जल्द से जल्द खत्म करावें, जिससे कि आम लोगों को बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का मौका मिले, अपना आर्थिक सामाजिक विकास करने का मौका मिले, यही मेरी धरना। आपके साथ कितने लोग आए? मेरे साथ चंदौसी से पूरी टीम, एक दर्जन लोगों की पूरी टीम आई है। उनका सब समर्थन हमको आज देना था, 10 बजे से हम बैठे थे, 5 बजे तक बैठेंगे, और लगातार साथियों को, जो मेरे संघ के साथी यहाँ पर धरना कर रहे हैं, उनको लगातार समर्थन हर तन मन धन से पूरा समर्थन देकर के इनकी बात को देश और प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या चंदौसी में भी आप करेंगे इस तरीके का? चंदौसी में जब आमान अगर आवश्यकता पड़ेगी, अब तो मंडल लेवल पर हो रहा है बैठे हैं इनके साथ में, चंदौसी में जरूरत पड़ेगी, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को अगर उस पर आँच आएगी, उसे वो किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब के सिद्धांतों को बचाने के लिए, लागू करने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस दौरान परमाल सिंह, टिम्पल सागर, टीआर सिंह, रविंद्र सिंह, ब्रजगोपाल सिंह, मुन्ना लाल एडवोकेट सहित काफी संख्या में दलित समाज के लोग मौजूद रहे। किन लोगों का समर्थन मिल रहा है? कहाँ, कौन कौन सी टीमें आई हैं आपके पास अब तक? जी, आप अभी श्री सतीश प्रेमी जी आपके सम्मुख अपनी वार्ता बता रहे थे वार्ता में, उनका तो पूर्ण समर्थन है ही। बहेलिया समाज, ग्वाल समाज और धोबी समाज, भावा दस और अनेक संगठनों का, टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन और किस समाज का? घोसी समाज का भी मिला है। धोबी समाज का भी है, तो जो वो घोसी समाज के थे खान साहब, उनका भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ था। प्रथमा बैंक की एसोसिएशन का हमें समर्थन प्राप्त है,